तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप 2022 में अपने आधार कार्ड को मोबाइल से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल स्टेप आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, बस इस वीडियो को आप पूरा वॉच कर लीजिए, बिल्कुल आसान तरीका है। और चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आपको बाद में ही लाइक करना है, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा के सीधा आपको अपने फ़ोन में आ जाना होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे क्रोम ब्राउज़र, ठीक है, ये देखो क्रोम ब्राउज़र, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऊपर सर्च बार मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मैं साइड में स्क्रीन पे दे दिया हूँ, इस तरीके की वेबसाइट है UIDAI, ठीक है, इसे लिखना है UIDAI, इस तरीके से लिखेंगे .gov.in, ठीक है, इस तरीके से डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पे आप सर्च करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ सर्च करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से ये देखो सीधा खुल जाएगी, यहाँ सीधा नहीं खुल रही है, तो आपको फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट शो होगी उसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे गेट आधार का एक ऑप्शन ऊपर है, ठीक है, वहीं पे लिखा होगा डाउनलोड आधार, तो डाउनलोड आधार पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको इस तरीके से ओके कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप ओके करेंगे ये दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर देगी, ठीक है, वेबसाइट आपको, जैसे कि थोड़ा आपको वेट करना होगा, अगर इंटरनेट फास्ट है तो जल्दी ही आपका यहाँ पे नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको ऊपर की तरफ इसे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड आधार, ठीक है, तो डाउनलोड आधार पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, ठीक है, आधार नंबर नहीं है तो इन्वॉल्वमेंट आईडी होगी, वर्चुअल आईडी होगी, वो आपको डाल देनी होगी। तो मैं यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल के दिखाऊंगा, तो चलिए मैं अपना यहाँ पे आधार नंबर डाल देता हूँ। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इंटर कैप्चा होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से कैप्चा होगा, यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आधार नंबर यहाँ डाल देता हूँ, जिससे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने आधार नंबर डाल लिया है और एंटर कैप्चा यहाँ पे हमने डाल दिया है। कैप्चा भरते समय यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी हिसाब से कैपिटल है स्मॉल है, यहाँ पे आपको डाल देना होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप रीस्टार्ट का एक यहाँ पे ऑप्शन होता है, वहाँ पर क्लिक करके आपको दोबारा भी आ जाएगा नया, ठीक है। तो यहाँ पे सेंड ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका इस तरीके से ओटीपी सेंड होगा, जो भी आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरे पास आ गया, तो यहाँ पे अपना ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपको कुछ देर वेट करना है और ये ऑटोमेटिक आपकी पीडीएफ फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, यहाँ डाउनलोड पे हम क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे थोड़ी देर में ये डाउनलोड हो जाएगा और ओपन आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, विद प्रूफ। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से, ये देखो हम इस पर क्लिक करते हैं, ये डाउनलोड हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं सबसे ऊपर इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर हम इसे ओपन करते हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पासवर्ड मांग रहा है। तो आपको पासवर्ड कौन सा डालना होगा, आपको यहाँ पे अपनी आपका जो नेम है, ठीक है, वो नेम के आपको चार डिजिट डालने होंगे, डिजिट नहीं सॉरी अक्षर डालने होंगे, ठीक है, वो भी कैपिटल में, स्मॉल में नहीं कैपिटल में, मैंने साइड पे लगा दिया है, इस तरीके से आपको डाल देना होगा। और लास्ट के अपनी ईयर भी डालनी है, जैसे आप 2006 के हैं, 1992 के हैं, 1980 के हैं, जितने भी हों, ठीक है, वो आपको यहाँ डाल देनी होगी। जैसे कि हमने यहाँ डाल दिया और यहाँ ओपन पे हम क्लिक करता हूँ, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये देखो ओपन हो चुका है। मैंने सिंपल तरीके से आपको आधार कार्ड डाउनलोड करने का तरीका बता दिया। अगर आप सीखना चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी आधार कार्ड हम कैसे डाउनलोड करें, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद नीचे कमेंट करना होगा। मैं नीचे कमेंट में एक वीडियो की लिंक दूंगा, वो आप सीधा देख लीजिए, आप बिना नंबर के भी आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो में विदा लेता हूँ। जय हिंद।